आशीष जय भारत भाग्य जय जय। माननीय नीतीश जी को अपने ही विधायक अपने विधान पार्षदों पर भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बाकी भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती से अपना काम करिए, हम किसी दूसरे के भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जी अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो दाहिने बाएं खुद ही दोषारोपण करते हैं, खुद ही करते हैं। अगर कोई पार्टी का कोई व्यक्ति एक सामान्य शिष्टाचार के तहत किसी से मिलने चला गया, नीतीश जी बीमार पड़ेंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा उनसे मिलने, तो उसका मतलब थोड़ी होगा कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किसी के भी अस्पताल में कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। अगर समाधान करना होता तो कम से कम आज यूरिया जब एक दिन भी 20 लाख बोरा से कम बिहार में उपलब्ध नहीं है तो भी किसान यूरिया को लेकर हाहाकार कर रहा है। जिस जिले में जाते हैं जनता से मिलने में डरते हैं, जब आप जनता ही से नहीं मिलेगा तो आप समाधान क्या कर रहे हैं? एक ही चीज का हो रहा है कि माननीय नीतीश जी पटना से बाहर आ रहे हैं तो कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे, यही समाधान है। अच्छा सर, एक रक्सौल मेरी बात हुई है, दो एक नंबर पे सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, दो नंबर पर भी निश्चित तौर पे हम लोग शौचालय भी बनवाएंगे और इस पूरे रेलवे स्टेशन को अमृत काल में हम लोगों ने अपग्रेडेशन योजना में लिया है। अपग्रेडेशन योजना का मतलब जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं इससे बहुत बेहतर स्थिति में आपको रक्सौल रेलवे स्टेशन। सर, रक्सौल में जो ये नशे का कारोबार एकदम धड़ल्ले से मिठाई की दुकानों की तरह चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? बिहार में जो भी चल रहा है बहुत दुखद, सर रक्सौल के हर स्थान पे चल रहा है, इसकी बहुत दुखद स्थिति है। रोकने के लिए कोई पहल? पुलिस का काम आजकल ज़्यादा शराबबंदी के तहत हो गया और दूसरे में उनका कोई ध्यान नहीं है। शराबबंदी भी रुकवाने के लिए नहीं, शराब बिकवाने में ज़्यादा ध्यान हो गया और उसी के कारण यह दुर्व्यवहार। सर, यहाँ शराब से ज़्यादा दवाइयाँ को दवाइयों प्रतिबंधित दवाइयों की कारवाई हो, कारोबार पर संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल, नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा को लेकर घूम रहे हैं लेकिन जहाँ समस्या वहाँ नहीं जा रहा। नहीं, समाधान यात्रा नीतीश जी जनता से मिलें, इतना ही मेरी उम्मीद है कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री हैं और आप किसी भी जनता से मिलने में किसी भी जिले में डर रहे हैं तो यह बहुत चिंता का विषय हो गया। ओवर ब्रिज का सामने देखिए बोर्ड, यह राजद का कल्चर है कि बोर्ड लगा दिए और एक रुपया भी नहीं दिया, आज 20 साल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने जब मनोज सिन्हा जी थे तभी ओवर ब्रिज का पैसा सैंक्शन हो गया था। बिहार सरकार कभी कहती है हम बनवाएंगे, कभी कहती है कि नहीं रेल पुल निगम में निकलेगा। इस चक्कर में 54 ब्रिज पूरे बिहार में फंसे हुए हैं, एक पुल की बात नहीं है। बिहार सरकार आज तक मुख्यमंत्री निर्णय ही नहीं ले सके कि केंद्र सरकार के जो 54 रेलवे ओवर ब्रिज के पैसे मिले हैं, जिसमें रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा सभी प्रमुख शहरों में के जो रेलवे ओवर ब्रिज हैं वो किस विभाग से बनेंगे, मुख्यमंत्री अगर यह निर्णय ले लेते तो सभी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन यह बोर्ड जरूर देखना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में एक ऐसा भी रेल मंत्री पैदा हुआ जिसने इतना बड़ा बोर्ड लगवा दिया और एक पैसा भी रेलवे ओवर ब्रिज के लिए नहीं दिया, जबकि मनोज सिन्हा जी के समय रेलवे ओवर ब्रिज का पैसा मिले, आज 8 साल हो गया। बिहार सरकार ही अभी मुख्यमंत्री ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कौन विभाग, उनका पुल निगम इस काम को करेगा कि उनका RCD करेगा कि मुख्यमंत्री जी इसको भी भवन निर्माण में दे देंगे, मुख्यमंत्री को यह तय करना है, जो नहीं हो पा रहा। मैं भी तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री जी उस समय भी तय ही नहीं कर पा रहे हैं। उस बार भी हुआ कि ठीक है हम पूरा दे रहे हैं, भैया जिसको देना है दो काम तो कराओ, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी का फैसला नहीं आया है कि किससे बनेगा। मेरा काम था केंद्र से पैसा दिलवाना। 2015 में मैंने ये पूरे पैसे 2015 में पूरे पैसे मैंने दिलवा दिए। उसके बाद मैं बिहार सरकार का इंतजार कर रहा हूँ। बिहार सरकार में जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं खुद उनके पीछे पड़ा। उसके बाद 6 महीने बाद इन लोगों ने तय किया कि पुल निगम में
हम सारे ओवर ब्रिज को ले जाएंगे। पिछले 6 महीने से पुल निगम क्या कर रही है किसी को नहीं पता। चलिए धन्यवाद।